सम्मान गुरु सास बहियो पति गुरु करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया के जितने अवतारी पुरुष होए हैं प्रीवन कीर्तन जो उन्होंने नुक्ता चुनिया से मनुख नु बनाउन बारे जो कुछ उन्होंने सोचिया से अपनी जिंदगी करके रुखसत हो गया है। लेकिन गुरु नानक नु बार बार दस जामे धारण करना पड़ा। गुरु नानक नु दूसरा गुरु नानक बनाना पड़ा, दूसरे गुरु नानक नु तीसरा गुरु नानक बनाना पड़ा और तीजे महले नु चौथा महला करना पड़ा। महला घर ठिकाना अरबी का लफ्ज है महल घर। महला पहला महला दूजा महला तीजा महला चौथा ओ रूह ओ आत्मा ओ जो जो पहले घर दे सी दूसरे च आ गई तीसरे च आ गई चौथे च आ गई पंजवे च आ गई। जैसे मैं घर बदल लवा तो मैं तो नहीं ना बदलिया मैं मकान बदलिया। इस तरह गुरु नानक मकान बदल जो गुरु जी सी पहले मकान का नाम सी नानक दूसरे मकान का नाम सी अंगद तीसरे मकान का नाम सी अमरदास गुरु जोत सी गुरु अमरदास गुरु अंगद गुरु नानक गुरु रामदास गुरु अर्जन देव जी। ये घर बदल गए मकान बदल गए। कारण दरअसल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पूर्ण पुरख की कल्पना की थी सी कि मनुख अधूरा है इसको संपूर्ण करना है मुकम्मल करना है। और आपको पता सी कि मनुख नु घड़न लग्या मनुख नु पूर्ण करन लग्या वक्त लगेगा समा लगेगा। तो आप दस जामे धारण करने उस पूर्ण पुरख का जो खाका गुरु नानक ने चितरिया उसका नाम सतगुरु ने पहले गुरु नानक ने सिख रखा दसवें गुरु नानक ने उसे किया सिंह। और इस तरह सारी दुनिया में साढ़े दो नाम बन गए कौमी सिख सिंह। असी सिख भी हाँ असी सिंह भी हाँ। सिख साड़ा वास्तविक नाम है सिंह साड़ा वास्तविक तखल्लुस है खास नाम सरनेम इन्हू संस्कृत विच कहने ने गुणात्मक नाम। सिख का जो गुणात्मक नाम है वो है सिंह। सिख संत है सिंह सिपाही है। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे जालिम हो सकता है। संत सिर्फ संत हो गए तो बाद के जुल्म को रोक नहीं सकेगा बल्कि दुनिया भर के संत शहीद हो गए जाबरों के हथों शहीद हो गए। चाहे सूफी संत सन चाहे भारत के बड़े बड़े मुदब्बर महापुरुष सन चाहे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज चाहे धन गुरु तेज बहादुर साहब जी इतिहास है। मंसूर सूली ते चढ़या ईसा सूली ते टंगया है। इसी तरीके दे नाल कंस दा ते जो है श्री कृष्ण दा ते जन्म ही कंस दी जेल दे च है। तो मैं इस विषय नूं बहुता ना लमकावा वो पूर्ण पुरख दा जो खाका गुरु नानक ने चितरिया कि कितनी गल स्पष्ट है जिहड़ी चीज चंगी ना लगे अधूरी हो जाए। अधूरा बनिया भोजन अधूरी तस्वीर अधूरी संगीत की धुन और अधूरा बनिया मकान काबले रिहायश नहीं होगा छत है नहीं सिर्फ दीवारा नहीं मनुख किस तरह रहेगा। जो भी वस्तु जो भी हस्ती चंगी ना लगे कहना अधूरी पूरी नहीं है। जो भी मुतासर करे वो पूर्ण है। अधूरी कविता किसी काम की नहीं अधूरी संगीत की धुन भी किसी काम की नहीं। अस्थाई है अंतरा है ही नहीं या अंतरा ही बने हैं अस्थाई नहीं है
इस संगीत को किस बनाते हैं। जब कोई पूर्ण संगीत की धुन बन जाती है, पूर्ण कविता बन जाती है, पूर्ण मकान बन जाता है, पूर्ण भोजन बन जाता है, वो काबले दीद भी है, काबले रिहायश भी है, काबले इस्तेमाल भी है। मनुख जब पूर्ण होता है तो खुद सुख लेता है, जगत को सुख लेता है। तो इसको पूर्ण करने की तैयारी आरंभ की थी गुरु नानक ने। इसका पहले खाका चितया, जिवें कोई महल खड़ा करना होता है, उसका पहले नक्शा बनाई है। ये नक्शा गुरु नानक ने बनाया। पूर्ण मनुख की तस्वीर का खाका चितया है गुरु नानक ने। इस दे हुक्म मनन का रंग भरिया गुरु अंगद देव जी ने। मनुख सिर्फ हुक्म करना ही जाने, मनना नहीं, अहंकारी हो जाएगा। पर जिन्हों गुरु के हुक्म के मनन की जांच आ जाए, कहना हुक्म प्रकृति के जरे जरे से चल रहा है, पर कोई उसकी गल न पूरा नहीं सकता। हुक्म मनन वाले का ही सही ढंग नाल हुक्म चलता है, खिड़े मत्थे बाकियां दे ते हुक्म मजबूरी नाल मनने पैंदे। तो हुक्म मनन का रंग भरिया है गुरु अंगद देव जी ने। आदर्शवादी होने का रंग भरिया गुरु अमरदास ने। सिख जात पात तो उच्चा उठे, वर्ण वंड तो उच्चा उठे, फोकियां रस्मां मनौतां तो एक पासे हो गए, सिर्फ कर्म कांड दे ना रुके। और सिख किसी भी तरह के स्त्री के पर्दे की हिमायत ना करे, क्योंकि गुरु अमरदास जी ने हटा दिता। विधवा ब्याह की प्रथा भी आपने चलाई सी। तो आदर्शवादी होने का रंग ये देन गुरु अमरदास जी की। धर्म मंदिरों की उसारी के जज्बे का जिहड़ा रंग है, ये गुरु रामदास जी की देन। सारी दुनिया के जिथे सिख रहा है, अपना घर बाद बनाने की सोचता है, गुरु का घर पहले बनाने की सोचता है। अपना घर भावे खास ना हो, पर गुरु का गुंबद से सोने का देखना चाहता है, सजे होया देखना चाहता है, क्योंकि उसे बैठ के इसने परलोक सवारना है। ये जज्बा धन गुरु रामदास जी महाराज की देन है। शांति का रंग गुरु अर्जन देव जी ने भरिया। पर यह शांति किधर कायरता ना समझी जाए तो क्रांति का रंग धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भरिया। आपकी गैतरी इस तरह पीली की तलवार केवल माला होती है, लोहे की नहीं होती। आपके हाथ में माला सी और दूजे हाथ में श्री साहब पकड़ाई। पीली की तलवार लोहे की नहीं होती, उसे मारता है पुलिस शस्त्र ते शास्त्र कहते हैं। शास्त्र मेरी भी वह पीली की तलवार है, शस्त्र मेरी भी तलवार है। शास्त्र ते शस्त्र, पहले शास्त्र नु अगे करो। शास्त्र नाल मसला हल नहीं होता, फिर शास्त्र ये दोनों तलवार है। ज्ञान भी अपने आप की तलवार है, अज्ञान को कट देती है। और भाई संतोख सिंह जी ने तो साफ लिखा है, ज्ञान को खड़ग धर, जुगत कमान कर, नाना दृष्टांत लीन शरीर बधा रहे। ज्ञान एक खड़ग है, ज्ञान एक तलवार है, अज्ञान को कट देती है। रस्म बहन तो मात को कट लें। तो गुरु के नाम ही ज्ञान है कि तलवार मौजूद सी है। पर तलवार नाल पत्थर नु कटना बड़ा औखा है, ज्ञान नाल पत्थर दिल नु बदलना बड़ा औखा है। हवा चलती है तो दरख्त छोड़ते हैं, पत्थर नहीं छोड़ते। पानी पैंदा है तो जमीन हरी भरी हो जाती है, पत्थर हरे भरे नहीं होते। पत्थर पत्थर ये बदल नहीं है, तो मजबूरन
पत्थर नूं तोड़न वास्ते पत्थर चाहिदा है, फुल्लां नाल पत्थर नहीं टुटदा। फुल ही मसला जाएगा अगर फुल नाल पत्थर नूं तोड़न की कोशिश कीती। तो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने क्रांति का रंग भरिया उस खाते जिहड़ा चित्रिया सी धन गुरु नानक ने, लेकिन तस्वीर मुकम्मल नहीं हो गया। आम चर्चा है कि गुरु नानक नूं इतने रूप का धारण करने पे 250 साल का पीरियड है, मनुख नूं पूरन बनाना सी। अज तुसीं इतना भी वेख लेना, अगर हुक्म मन्नण दा रंग नहीं है अंदर, तो साडे विच महला दूजा नहीं है। जे असीं जात पात नूं मनदे आ, रस्म बहन प्रमात नूं मनदे आ, निच आ गई अपशगन मनदे आ, तो समझ लेना गुरु अमरदास जी नाल साडा रिश्ता नहीं है। गुरु अमरदास जी इन्हां मनोतां दे धारने नहीं सन, और हर देश विच अपने अपने रस्म ने, अपने अपने तौहात ने। जैसे यूरोपियन देशां च 13 नंबर नूं मनुष मनदे ने, 12 तों बाद एकदम 14 लिख देंगे, 13 लिख नहीं हैरानगी। 13 नंबर की गली नहीं मिलती, 13 नंबर का कोई कमरा नहीं होटलों में, और किसी जर्मन इंजीनियर ने कहे चंडीगढ़ का नक्शा बनाया सी, पहले उसने 12 तो बाद 14 लिख दिता सैक्टर, 13 सैक्टर रहने नहीं दिता सी। जो नवी गौंद बनानी पी तो हिंदुस्तानी 13 मनोस नहीं बनते। पर हुण इहना कौन दसे यूरोपियन लोगों नूं 12 नंबर का कमरा ते 14 नंबर का कमरा ठीक है, सिर्फ नंबर 13 मनोस है, तो 12 तो बाद जिहड़ा 14 लिखदे पैदा ते 13 अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो रब नूं इतना भी नहीं पता जिथे बंदे ने 14 लिखे है, चलाकी नाल लिखे ते है 13 करना सब कुछ। जे रब नूं इस तरह के नाल भुलेखे च पाया जा सकता है, तो ऐसे रब नूं पूजण दी की लोड़ है जिहड़ा इतनी जीआं गल दी भुलेखे च पै जांदा है। नहीं तो बात यूरोपियन लोगों के वहम, हिंदुस्तानियों के अपने वहम ने, निछ आ गई जी अपशगन हो गया। कलकत्ते दी दास कथा कर रहे सी, सवेरे वड्डे गुरुद्वारे, शाम नूं ब्रह्म लोक गुरुद्वारा, उत्थे हाजरी भरदा सी, पर शाम नूं मैनूं डॉक्टरी लै जांदा सी, कोई वापस लैंदा सी। चंगा प्रेमी, चंगा सुनन दा शौक सरोता, जैसे शाम नूं मैं उन्हां दी गड्डी च बैठा ते मैनूं दम निच आ गई, गड्डी स्टार्ट सी उसने बंद कर दित्ती, तो मैं कोई डॉक्टर साहब लेट हो गए हैं पहले पहुंचना है, तुसीं गड्डी बंद कर दित्ती, तुसीं वेट कर रहे हो। कहने लगे नहीं ज्ञानी जी, थानू निछ आ गई है ना, अब शगन हो गया, जरा ठहर जाओ। हाथ दो भी तू डॉक्टर है, तेन इतना भी नहीं पता कि निछ क्यों आऊंगी, तेन शरीर की क्रिया का इतना नहीं पता कि की इलाज करता हूं मैं, तू आप स्वयं इतना वहम दे चै। कहता की करिए, मां बाप तो संस्कार मिले हैं, साड़ी मां भी वहम मांगती सी, प्यो भी मानता सी, की करिए। तो किसी का कुछ वहम है, किसी का कुछ वहम है, अगर निश नाल ही सब कुछ हो जाता है, और निश ही रस्ता रोक सकती है, या 13 नंबर ही मनोस है, फिर परमात्मा की कुछ भी नहीं, उसके हाथ देख के कुछ भी ना आया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मैं थोड़े सामने रखा, भाई रे मत कोई जानो, अवल किसी के किछ हाथ है, सब करल कराया, जरा मरा ताप सिर साफ, सब हर के बस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। ये गुरु ग्रंथ साहब दी पंक्तियां, जिसनों पे मत्था टेकते, भाई रे मत कोई जानो, अवल किसी के किछ हाथ है, किसी होर दे हथां विच ही कुछ है, कि बुले किसना हो, किसी दे हथे च कुछ नहीं है। साधु वो है उसके हथां की तरफ इशारा कर दे, और उसके हथां की तरफ तोड़ दे, जिसके हथां विच सब कुछ है। भाई रे मत कोई जानो, अवल किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया, जरा मरा ताप सिर्फ साफ, सब हर के बस है, लाग सके ना बिना हरि के लाया। बिना हरि तो कुछ भी नहीं,
दुख आमदा उसे तो, सुख आमदा उसे तो, इज्जत मिलती है उसे करके, बेइज्जती मिलती है उसे करके, नफा होता उसे करके, नुकसान होता उसे करके, सब कुछ का करण हार हो ही है। और मनुख के जीवन के कर्मा के विचार करके फैसला हो ही करता है, कोई और नहीं। और वैन है अपने अपने तमाम तरह, यूरोप अपने वैन ने, मैं चीनी लोगों के वहम देख के दंग रह गया, चढ़दिया जी कि ठोकर लग गई ना, कि गिर गए हैं, फिर उत्थे अगरबत्ती जलाएंगे, सिंदूर छिड़कणगे, कई दफा किसी पंछी या किसी जानवर के बलि भी ने गंकी देती, बहुत गहरी सट लग गई ना, तो गिर गए, कहने इतने कुछ है, तो सानू जो है उसका मुआवजा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसनू खुश करना पड़ेगा। वह हर मनुष्य अपने अपने वहम है। इस तरह के वहम तो गुरु अमरदास जी महाराज ने उच्चा किया और आखिर सिख आदर्शवादी चाहिए, ना कि वर्ण वंड न मने, ना ही जात पात न मने, ना ही लगन शगन न मने, ना इस्लाम के दिते पर्दे न मने, कि उन्होंने देन धर्म मंदरा की उसारी का जज्बा धन गुरु रामदास जी की देन, शांति का रंग भरे है गुरु अर्जन देव जी ने, क्रांति का रंग भरे है गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने। अगान चलिए वो तस्वीर जो क्रांति तक पहुंची है, अजय रंग और भी भरने हैं, अगूरी से समय की गति में गल पूरी तरह। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने रंग बहे नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी, मनुख की फितरत है कि जो कुछ है उसके पर्दे पाता है, जो कुछ नहीं है उसको प्रकट करता है। गुरु हर राय साहब जी की मूल शिक्षा, जो कुछ तू है इसते पर्दा ना पा, और जो कुछ तू नहीं है इन प्रकट भी ना कर। जब तू है ही नहीं हो तो प्रकट करने अपनी ताकत क्यों खत्म करना है, कि जो कुछ तू है इन्हें पर्दा पाण लई समा क्यों जाया करना है, वक्त क्यों बर्बाद करना है। शेख सादी साहब कहा करते सन, मनुख की अद्धी जिंदगी ते अद्धी ताकत इस दिच लग जाती है, जो कुछ ये नहीं है प्रकट करना चाहता है, अद्धी जिंदगी ते अद्धी शक्ति इस दिच खर्च हो जाती है, जो कुछ है इसते पर्दे पाण। गुरु हर राय साहब कहते सन ये प्रदर्शनी नहीं करनी, ये दिखावा नहीं करना। भगत कबीर ने इस संबंध में बड़ी कीमती बंदी कही है, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डाली, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोग की प्यारी। कबीर कहने मैं माया का नक भी कट दिता है ते कान भी कट दिते ने, ते कबीर नूं आखी तू गर्दन कटनी सी बहुत गाना सी, पर जी कबीर को पूछोगे तो कबीर यही आखणगे माया का सिर्फ नक है ते कन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वजूद तो बिना नक ते कन किस तरह हो सकता, दरअसल मायाधारी की पहचान किस तरह करोगे। मायाधारी की यह पहचान है वो जो कुछ भी करेगा नक रखने वास्ते करेगा, गुरु नूं रखने वास्ते नहीं, सच न रखने वास्ते नहीं, धर्म न रखने वास्ते नहीं। उसने जो कुछ भी करना है नक रखने वास्ते करना, मेरी नक रहनी चाहिए, फिर कन्ना नाल सुनेगा दुनिया की आखिरी है, बस मायाधारी। कबीर कहने मैं नक रखने लई काम नहीं करता, मैं सच न रखने लई काम करता, और फिर मैं अपने कन्ना नाल अपनी शोभा नहीं सुनता, प्रभु का जस सुनता, कन कट देते हैं मैं वो जो अपनी शोभा सुन ले, नक कर देती हो मैं जो सिर्फ सच में एक पास करके नक न रखना पैदा, वो नक मैं कर देती, उस नक की मैंने लोड़ नहीं। अक्सर दुनिया नक रखने वास्ते काम कर दी होगी, मैं बड़े परवल नास्तिक नो देख लिया सी, उन्हें घर अखंड पाठ रखाया, मैं तू ते मजाक उड़ाना आंदा सी, अखंड पाठ का कथा कीर्तन का ऐ की पता उसने किया, कहने लेने की प्यो गुजर गया, तुम पता चलिया कि नहीं,
मैं पता चलिया कहना हम श्रीकाचारी नाते रखा नहीं सी ना बोल पाया अंतिम संस्कार कहना हम तो मैं नहीं मानता और की करी बरादरी च ना कर तो न करने वास्ते अखंड पाठ रखे है सच रखने वास्ते अखंड पाठ नहीं सिर्फ न कर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने कह दिता नहीं तू जितना है उतना ही अपने आप को प्रकट कर और जो तू है उसके पर्दे ना कर जो तू नहीं है उसको प्रकट भी ना कर नुमाइश नहीं करनी प्रदर्शनी नहीं करनी ये देन गुरु हर राय साहब दे गुरु हर कृष्ण जी ने केड़ा रंग भरिया उस तस्वीर दे जिसका खाका गुरु नानक ने चित्रिया जिस तस्वीर का नक्शा गुरु नानक ने बनाया आज तक ऐसा आख्या जाता गया कि मनुख की अकल पकड़ पकड़ी है 30 साल तो बाद तो चाणक ऋषि जैसिया ने बिदर जैसिया ने कह दिता सी जिसनू राज गद्दी ते बिठाना होवे धर्म की गद्दी ते बिठाना होवे या समाज का मुखी बनाना होवे उहदी उम्र 35 साल तो थल्ले नहीं होनी चाहिए उहदी गल्लां विच कच्चाई होगी पुख्तगी नहीं होगी पकड़ियाई नहीं होगी दूरदृष्टि नहीं होगी बचपना होगा इस वास्ते जब कोई धर्म की जिम्मेवारी सौंपनी है समाज की जिम्मेवारी सौंपनी है या राजनैतिक जिम्मेवारी सौंपनी है तो उसकी उम्र घट तो घट 35 साल होनी चाहिए इसको थले नहीं होना चाहिए चाणक एक बिगमा जीत का राजगुरु से उसका ख्याल उसकी देन भारत की से गल पर चल रही उन्होंने दिनों में आना होया जब बिगमा जीत की चर्चा बड़े जोर से सी बिगमा जीत से चाणक दोवे रुखसत हो चुके सन नहीं रहे सन हवा उन्होंने मौजूद सी चाणक भी बिखना जीत दी समाज का मुखी बनाना है धर्म का मुखी बनाना है तो घट तो घट 35 साल तो थले ना हो रहे उस जमाने आना होया शेख सादी का हिंदुस्तान में उन्हें सियाहत का जिक्र किया है उसने बकायदा हिंदुस्तान के तीर्थां का और कुछ महापुरुषों का जिक्र किया इसने हिंदुस्तान में ऐलानिया कहा बजुर्गी बा अकदस्त न ते बा साल तवंगरी बा बेदस्त न ते बा मार बुजुर्गी उम्र तो ना हो और अमीरी माल असबाब तो ना हो ये गलत है क्या अकल तो ना हो ये बुजुर्ग है कि नहीं तो शेख साधी ने मने हैं उम्र दे बढ़ने हैं मनुख की अकल भी बढ़ती हो गई ये कोई जरूरी नहीं अज साइंस ने मन लिया सो शरीर उम्र बंदे की 70 साल है अकल 10 साल से रुक गई है 13 साल से रुक गई है वध तो वध 16 साल से रुक गई अकल शरीर के नाल नाल नहीं बढ़ती उम्र 100 साल की है अकल 10 साल की है ऐसा भी हो सकता है उम्र 10 साल की है अकल 100 साल की है तो शेख साहिब साहब कहते हैं उम्र तो बुजुर्गी नापण का मतलब की है अकल तो नापो तो अमीरी माल असबाब तो ना नापो भाई ये अमीर है ये को इतने मकान ने इतनिया फैक्ट्रियां इतनी धन संपदा है कहते नहीं दिल तो नापो दिल के ना दिल में कोई थां भी है कि नहीं अगर दिल में थां नहीं तो धन संपदा बहुत है इन अमीर आखन की जोड़ है मैं बंबई में इस तरह का एक हादसा देखने को मिलया एक सज्जन के घर चाह पी रहे थे और उसका बड़ा पूरा संबंध हो गया सी खुले विचार अक्सर चलते सन उन्होंने पत्नी सामने बैठी मैं कहने की मस्कीन जी अज मैं अरजोई कर दिया इन्हों का सुभाव बहुत अच्छा है नौकरा दे बाहर की दुनिया दे अपने मित्रां दे
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਰਹਿ, ਬੱਚੇ ਔਖੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮੂਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਲੁਟਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਸੋਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਕਤ ਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਰਖਵਾਜਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਧਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਪਸੀਨਾ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਧਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗਹਿਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ, ਤਮ ਗਰੀ ਬਾਦਿਲਸ ਨਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰੀ, ਮਾਨਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਗਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਮਰ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਧਰੁਵ, ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 5 ਬਰਗ ਕੋ ਅਨਾਮ ਰੋਗਾਰ ਔਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਪਠਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਝ ਜਪ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟੀ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਪ, ਜਲ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਥਲ ਹਰ ਨਾਕਸ਼, ਤੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਹੈ ਰਾਮ ਥਲ ਹੈ ਰਾਮ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਲੋਟਾ ਹੈ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ,
बेड़ी के थले बैठे सन धन गुरु नानक अगों प्रशादा रख के हाथ जोड़ के कहना बाबा मैं बड़ी श्रद्धा न ले आया तुसी खा लो मैनू खुशी मिलेगी और हाथ जोड़ के खड़ा है सतगुरु देव जी ने बड़ी भावना है बड़ी श्रद्धा है पातशाह कह रहे ऐ बालक ऐ बच्चे भुखते नहीं है मैं पर जितनी श्रद्धा नाल तू कह रहे हैं मैं ठुकरा भी नहीं सकता छक लेने महाराज ने दोवे प्रशादे छक ले लस्सी पी ले लोटे नो थाली दिच रखते आया भांडे वापस करने पातशाह कह लगे लै बालक तू खुश है आप तृप्त हो गए रज गए ऐ लै अपने भांडे बच्चा हाथ जोड़ के कहता बाबा भोजन नाल तन त्रिपत आता है मन किवें त्रिपत आता है ऐ बाबा एक ही दसो मन किवें त्रिपत आता है सतगुरु तंग रह गए बच्चे दे सिर ते हाथ रख के कहन लगे उम्र ते तेरी कुछ नहीं गल बुढ़िया नहीं करना है ये 7 साल का बच्चा बाबा बुढ़ा बन गया क्योंकि गुरु नानक की रचना तो निकले है उम्र ते तेरी कुछ नहीं गल बुढ़े आदि करना है बुजुर्गां वाली करना है बाबा बुढ़ा ये 6 पातशाहियां तक रहा है इन्हें 5 पातशाहियां नु हथी दे देता है ये दरबार साहब का पहला ग्रंथ है और हर कम विच इसकी राह है सतगुरु आप कहते सब बाबा बुढ़ा उम्र 7 साल की बाबा बुढ़ा मैं 70 साल के लेके ने बाबे बच्चे बिल्कुल बाबे बच्चे कुछ भी नहीं जिंदगी है मैं दवाई काश पे खेड लेने कुछ ये की पे कर दिया कभी कह नहीं जी समा पे पास कर दिया समा रहा भी है तेरे को पैर ते तेरा कवर दिच पे है समय में सबल कर देखेगा शराब पे पी दे रहे हैं अजय भी अमृत तो दूर बजना है पैर कवर दिच पे है अज भी शराब पीती जा रहे हैं इन्हों कौन आखेगा बाबा बुढ़ा ये तो बाबे बच्चे हैं उम्र बद गई है अकल नहीं बदी बच्चे भगत हो रहे हैं बच्चे सिख हो रहे हैं बच्चे शहीद भी हो रहे हैं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम मिला रहे हैं सरहंद की दीवारा के चने गए नाबाल मासूम एक और सहकारी घराने का बच्चा ही करता है जिसकी मां सारा दिन सुखमनी साहब पढ़ती सी लाहौर के शहीद कर दिया गया उम्र 11 साल की सी बच्चे शहीद हुए ने बच्चे भगत हुए ने बच्चे सिख हुए ने लेकिन संसार के इतिहास के खिलाफ मौजूद सी बच्चा कभी गुरु नहीं बनया सी धार्मिक कल के रहबर नहीं बनया सी इसकी पूर्ति कर दी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज 5.5 साल की उम्र गुरगद्दी पे बैठे हैं 7.5 साल की उम्र फुरसत हो गए पीरियड कुल 2 साल का है अगर लंबे बैठते तो बचपन की छाप नहीं रहनी सी एक बचपन की छाप दसनी सी कि उम्र की गल नहीं अगल की गल है जिस घर मासूम बच्चे वाहेगुरु वाहेगुरु 5 मिनट ले सवेरे जपते हो शामी जपते हो श्रद्धा भावना नाल गुरुद्वारे आउंदे होण तो समझ लेना इस घर दे गुरु हरकृष्ण जी की छाप मौजूद है रंग मौजूद इतने गुरु हरकृष्ण जी महाराज दी बरकतां मौजूद ने उम्र की गल नहीं अदर की गल एक छाप छोड़ी है इतने उम्र की गल नहीं 84 साल के बुढ़े बाबा गुरु अमरदास 5.5 साल के बाद धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज गुरु जोत है उम्र की गल नहीं अगर की गल है त्याग ते वैराग का रंग भरिया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस तो बिना भी गल नहीं बननी सी वैराग और त्याग